नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की तैयारी पूरी। कोच द्रविड बोले, हमारी टीम तैयार, बस टीम के लिए संतुलन पर चल रहा है काम। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस साल अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है और पिछले साल हुए वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री थे। आपको बता दूं कि टीम सेमीफाइनल तक भी पहुँच नहीं पाई थी और अब भारतीय टीम पूरी तरह से बदल गई है, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान और राहुल द्रविड़ नए कोच के रूप में है। आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे T20 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच द्रविड़ ने वर्ल्ड कप में कैसी टीम रहेगी इस बारे में बातचीत की है। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे मैच में मिली जीत के बाद द्रविड़ ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास और रोहित के पास सिलेक्टर्स के बीच वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन को लेकर तस्वीर बहुत हद तक साफ है। इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप के लिए संयोजन और संतुलन को लेकर काफ़ी हद तक स्पष्ट है और हम इसी के इर्द गिर्द पर टीम की तैयारी कर रहे हैं और खिलाड़ियों के वर्कलोड को संतुलित कर रहे हैं। आपको बता दूं कि भारतीय हेड कोच ने आगे कहा, हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें यह आसान नहीं है। हम खुद को केवल 15 खिलाड़ियों तक सीमित नहीं करना चाहते थे और हम खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। हम यह तय करना चाहते हैं कि जब हम वर्ल्ड कप खेलेंगे तो हमारे कुछ खिलाड़ियों को कम से कम 10 से 15 मैचों का अनुभव हो।